हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो यार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों का स्कोर 400 से कम आ रहा है तो किस तरह से चीज़ें मैनेज करें ताकि ये जो स्कोर है हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उन बातों को फॉलो करें और आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो के एंड पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और समझिएगा बातों को, पॉइंट्स को, जो भी मैं कहूँ उसको फॉलो कीजिए, लिटरली यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को अगर देखिए स्कोर आप लोगों का 400 से कम आ रहा है तो यानी कोई ना कोई सब्जेक्ट दिक्कत में चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहता है कि भैया मैं 300 तो बायोलॉजी में मार ले रहा हूं, ठीक है, 300 आई एम स्कोरिंग मोर देन 300 इन बायोलॉजी, बट फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, 50-60 नंबर मेरे आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूं कि यार लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, और जो चांसेस लग रहे हैं जिस तरह से कंडीशन चल रही है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो जून जुलाई में ही जाकर होगा, उससे पहले अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि एग्जामिनेशन हो जाए। ठीक है, तो लमसम हमारे पास 50-60 दिन, मान के चलिए कि 50-60 डेज यू आर हैविंग इन योर हैंड्स। ठीक है, आपके पास अभी 50-60 दिन है। ठीक है, तो यार अभी जो भी सब्जेक्ट वीक है, इफ़ यू आर वीकर इन फिजिक्स या आपकी केमिस्ट्री वीक है, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट वीक है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, इनफ टाइम है कि आप लोग अपना टाइम उस जो भी सब्जेक्ट है, जो वीकर सब्जेक्ट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी देखिए ऐसा होता है ना, अगर कोई वीकर सब्जेक्ट भी होता है ना, उसमें भी ये भी नहीं होता कि पूरा सब्जेक्ट ही वीकर होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हम लोगों को नहीं आते। ठीक है, मैं एक फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बच्चों को रोटेशनल मोशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो और काफ़ी लोगों को ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो यार लमसम और कुछ चैप्टर जैसे सेमीकंडक्टर इजी पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर बायोलॉजी में देखें तो बच्चों को क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियो सबसे आसान लगती है, बॉटनी में सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया मेरा पूरा सब्जेक्ट दिक्कत नहीं देता है, सब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना जो दिक्कत में देते हैं। सबसे पहले अपने आपको बिल्कुल क्लियर रखा करो कि यार मैं वीक नहीं हूँ। अगर आप लोग सोचोगे ना कि मेरा पूरा सब्जेक्ट ही वीक है, तो वो आपको लगेगा ही कि यार मैं इस चीज़ में वीक हूँ। ठीक है, बस ये समझो कि कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है आप लोगों को, वो टॉपिक्स क्लियर करने और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेंटली आप लोग जब अपने आप को प्रिपेयर करोगे ना, तो आप लोगों को अपने आप ही रिजल्ट देखना आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, जो भी आप बायोलॉजी लमसम सब बच्चों की निपट गई होगी। ठीक है, अब रिविजन का टाइम है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एंड में भी जो बात बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग क्या कीजिए, डेली बेसिस पे अपना क्या कहते हैं जो भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है वो रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब तक तो सब लोगों की बायोलॉजी तो हो गई होगी, और आप देखा जाए तो केमिस्ट्री के भी आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो गई होगी, बची फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो यार अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को फिजिक्स कमज़ोर है, फिजिक्स को टाइम दीजिए, केमिस्ट्री कमज़ोर है उसको टाइम दिए, बायोलॉजी कमज़ोर है उसको टाइमिंग दीजिए। ठीक है, अब टाइमिंग देने का मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी बुक्स आप लोगों के पास आप लोग लगाने लग जाएं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कोई भी ABCD पब्लिशर्स की आप बुक लगा रहे हो जिसमें बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, ध्यान रखना अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब ये टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चार पाँच बुक्स पढ़ के जाओ, जो बुक्स स्टार्टिंग से फॉलो करिए ना, बस अब उसे फॉलो करते रहो। ठीक है, और हो सके तो देखिए बायोलॉजी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब 100 बुकें लगाने का टाइम नहीं है, अगर आप लोग अब दोबारा भी आपकी बायोलॉजी आपको और अच्छा इंप्रूव करनी है, सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस दो, प्रीवियस ईयर पे फोकस दो। ठीक है, और जितना भी आप लोगों को उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और उसमें कुछ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और रिवीजन करते समय मैंने आप लोगों से हर बार कह रहा हूँ, ध्यान रखो कि आप लोगों ने जितनी बार रिवीजन करो NCERT बिल्कुल बाय हार्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सी लाइन, कौन सी स्टेटमेंट, कौन से डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि यार हम लोगों को लग रहा है कि भाई अभी नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो हम लोग रहन देते हैं, टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, नहीं, बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आप लोग ये मत सोचो ये टेस्ट भी दिया दो ना, तो ऐसे करके दो ना कि यार देखो फुल सिलेबस टेस्ट मैक्सिमम सब लोगों के पास फुल सिलेबस टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल होता है, या जो भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, तो टॉपिक वाइज बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, जितना भी आप लोगों का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें से डिवाइड कर लो कि भाई मैं इतने चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं, इतने चैप्टर को मैंने देखना है, और इसमें जो एनालाइज करना है कि मैंने कितना स्कोर मारना है। अब टाइम ये थोड़ा ना कि भाई टेंशन लेने का कि कैसे कैसे क्या होगा, अब टाइम ये है कि कैसे नहीं होगा और उस चीज को कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट वगैरह दो। ठीक है, 100 बुकें पढ़ना छोड़ दो, बस ये एक ही बुक को फॉलो करते जाओ, टेस्ट दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो सब्जेक्ट वीक है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत लग रही है,
ठीक है। हर बार मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही कहता आ रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनिक को रोज सुबह आधा घंटा 40 मिनट रोज रिवाइज करो, उसका रोज का शेड्यूल बना दो कि आप लोगों ने रिवाइज करना है, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है कि 17 to 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो उसको रिवीजन करो, ठीक है। एनसीईआरटी अपनी उठाओ रोज, बायोलॉजी की जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो भी नोट्स हैं आप लोगों को क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी की रीडिंग सबसे पहले करनी है, उसके बाद जो नोट्स हैं, नोट्स में जो लिख रहा है एक्स्ट्रा मटेरियल वो भी आप लोगों ने पढ़ना है, बट एनसीईआरटी तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी पड़नी है। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो, हम लोगों की अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, अभी आप लोगों को एंड में बताऊंगा, एक हम लोग सीरीज निकाल रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की 500+ क्वेश्चंस की 3 दिन के अंदर, उसके बारे में एंड में डिस्कस करते बताता हूं, वो ज्वाइन कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में आ गई चीजें। अब आपकी फिजिक्स कमजोर है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कोई भी बुक पकड़ ली, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं डीसी पांडे पकड़ लो, ठीक है, उसमें क्या करना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करें यार। ऑनलाइन आप लोगों को क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, और अभी तो फिलहाल कोचिंग्स वगैरह बंद है, बट आप लोगों को ऑनलाइन आज की डेट में इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप आराम से अपना कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स लंबे होते हैं तो कोई भाई फुल लेंथ मत देखो, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, पेड अनपेड जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल, जहां आप लोग इन्वेस्ट करना चाहो देखो, अगर आपको समझ में आता है तो इन्वेस्ट कीजिए, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे यूट्यूब पे ऑनलाइन आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं। क्या करना है, बस ये नहीं होता कि क्लासेस में लेक्चर अटेंड करके उसके बाद नोट्स बनाने को प्रिपरेशन नहीं कहते, उसको ये नहीं कहते कि हमने चैप्टर तैयार कर लिया। आप लोग एक बार नोट जो टीचर पढ़ा लेगा उसके नोट्स बना लोगे तो आपको लगता है अरे अब तो आगे हम आगे बढ़ते हैं, जब सारा हो जाएगा तब बैठ के इसको शुरुआत से रिवाइज करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सब बच्चों की यही दिक्कत होती है, नोट्स बना लेंगे और बढ़ते जाएंगे कहेंगे पूरा पहले निपटा लेते हैं फिर पीछे से रिवीजन करेंगे, ये नहीं करना है। एक चैप्टर अगर कम नोट्स बना रहे हो, जब तक उसके क्या कहते हैं फिजिक्स ही बात कर लूं पहले, ठीक है, जब तक उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज ना हो जाए, प्रैक्टिस ना हो जाए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ना हो जाए, दूसरे चैप्टर में मत बढ़ो। क्यों? क्योंकि एक समझ में आया नहीं दूसरे में कूद जाओगे तो ना वो समझ में आना है तो ना ये, तो दोनों तरफ नैया डूबनी है। तो इसलिए बात को समझना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, पहले एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर बढ़ने से पहले एक को क्लियर करो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। भागने की जरूरत नहीं कि पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं फिर ये करेंगे, पहले इतना कर लेंगे फिर उसके बाद सारा एक ही बारी में रिवाइज कर देंगे, बस अपना तो कमाल नीट क्रैक हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल बनो कि एक एक स्टेप करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। इंप्रूव होगा, 100% इंप्रूव होगा, बट स्टेप वाइज इंप्रूव होगा। मैंने आज ये वीडियो में आपको बताया, आप आज से 10 दिन बाद देखो नहीं इंप्रूव होगा, 20 दिन बाद देखोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी, 30 दिन बाद देखोगे आप इंप्रूव कर जाओगे, क्योंकि अभी भी आप मान के चलिए 50-60 दिन है, बट 20-30 डेज आप लोगों को इस चीज को फॉलो करना है। ये नहीं कि 5 दिन में ही करके, अभी टाइम है, ठीक है, तभी ये बता रहा हूँ, टाइम है। ओके, अब ये सोच रहे हो कि 2 दिन में फटाफट जादू की वो छड़ी घूमनी और आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो जाना, नहीं होगा। जितने अच्छे से आप लोग पढ़ोगे ये आप लोगों का इंप्रूवमेंट आपको 5 दिन में भी दिख जाएगा, बट डिपेंड ये करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कितनी तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, जो जो मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उस चैप्टर को पूरे अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, फिर जाके आगे दूसरा चैप्टर पढ़ो, ठीक है, जो सब्जेक्ट भी के उस पर ध्यान दो, ठीक है, और अब फालतू सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मान के चलो आप लोग जून जुलाई में भी पेपर होता है तो अभी भी देखिए टाइम वेस्ट करोगे और अब सोच रहे कि नहीं यार अब टाइम वेस्ट अब तो होना ही नहीं है, नहीं, अभी भी टाइम है, कर लो, तमीज से सब चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है, फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे को। आप लोग अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, @13aviral मेरा यूजर नेम आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स, कुछ बुक्स टेस्ट वगैरह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, अविरल ब्लॉग्स का लिंक मिल जाएगा। और 15 तारीख से हम लोग 3 दिन की सुपर सीरीज निकाल रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, क्वेश्चन सुपर सीरीज, जिसमें हम 500+ क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज टाइप होगी आप लोगों के लिए होंगे, ठीक है। आपको पता है कितना मेजर पार्ट इंक्लूड करता है नीट एग्जामिनेशन में ह्यूमन फिजियो, तो उसके हम 500 क्वेश्चन करेंगे। सारा शेड्यूल अन अकेडमी में, स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, डेट वाइज टाइम वाइज कैसे कैसे आप पढ़ के आइए चैप्टर, क्वेश्चंस कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, चीज़ें भी समझ में आएगी। वहाँ पे हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर जो थोड़े मतलब हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। 500 क्वेश्चंस आप लोग समझ के चलिए कि हम लोगों ने वो 3 दिन में पूरे करने हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि टाइम निकालिए, ठीक है, वो 3 दिन अभी आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। 15 तारीख को मिलते हैं अनअकैडमी में, लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरी अनअकैडमी में प्रोफाइल खोलना, स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को सारी लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से दिन क्या क्या टेस्ट होने,
रजिस्टर कर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, विरल ब्लॉग्स, वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।